तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अब कलर कर रहा हूँ, ऐसे कलर करेंगे, ठीक है। टू एंड टू हम पकड़ेंगे इसे, ठीक है। थोड़ा सा हमने सीम्स ले लिया ऐसे से, और हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 4.5 इंच करेंगे थिकनेस का, ठीक है। 4.5 इंच ये होगा हमारा। और फ्रेंड हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे कटिंग करेंगे। मैं जब चाइनीज कॉलर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें से तीनों तरीका मैंने दिखा दिया कैसे कटिंग करते हैं। अब हम इस नए तरीका से हम कॉलर करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, 1 इंच हम ऊपर लेंगे, ठीक है, और इसका जो टोटल 22 है, ठीक है, हम गरा गरा लेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा 1 इंच था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, इसमें से कितना है, 4.5 है, और इसमें हम क्या करेंगे, 4.5 लेंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे शेप देंगे, ठीक है, 4.5, इसमें से 4.5 करेंगे, 4.5 करेंगे, तो ये है ऐसे इक्वल वाला एक पार्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फिर, इसमें से थोड़ा सा हम इसको शेप देंगे इसी तरह, ठीक है। और शेप ऐसे भी हम कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं इसमें, ठीक है, नैरो होके जाएगा ये, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम इसे। तो बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ ये कलर होता है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी तरह आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये हाउस कोट का कलर है, ठीक है, तो अब हम इसे कटेंगे। ये हमारा कॉलर है, ठीक है, तो ये ऐसे खोल, तो ये देखिए फ्रेंड हमारा कॉलर कटिंग हो गया है, ठीक है। तो इस कॉलर को इस तरह से कैसे लगेंगे, तो ये देखिए ऐसे इस कॉलर से ऐसे लगता है इस कॉलर, ठीक है। ये जब पहनेंगे हम तब इस तरह से दिखता है, ठीक है। और ये जो बैक नेक था ये उसी तरह से दिखेगा ये, और पैटर्न हमारा हो गया। और इस तरह भी केप तक थे, ये देखिए मैंने एक सैंपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर ये देखिए एक हाउस कोट का एक सैंपल मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये इसी तरह स्टिच होगा, ठीक है। ये देखिए जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, तो ये देखिए ये एक टेप था, ठीक है, और इसमें भी एक टेप है, ठीक है, ये इसी तरह दिखेगा, देखिए जरा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा कॉलर है, ठीक है। और ये पॉकेट है, पॉकेट हम नहीं कटिंग किया है, ठीक है, हम तो बेसिक दिखा रहे हैं, बाद में हम दिखा देंगे, बाद में जब हाउस कोट का और भी वेरिएशन दिखा देंगे। तो फिर मैंने ये क्या बोला था आप लोगों को, जब ये ओएस से, जब ओएस हमारा था, ओएस से हमारा ये टेप जुड़ा होगा, ठीक है। ये कैसे जुड़ेंगे, हम ऊपर में भी हम एक अलग पट्टी हम लगा सकते हैं डिजाइन के लिए, सीधा इसमें रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, और एक इसमें टेप रहेगा, और एक क्या करेंगे फ्रेंड, हम इसको जब जुड़ेंगे साइड से वेस्ट के से लेंथ बराबर इसे, ठीक है, ये उस तरफ एक होगा, और इसके अंदर इस तरफ एक फीते होता है, ठीक है, यानी कि इस फीते से इस फीते हम इसी तरह बांधते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रंट वाला जब जाते हैं तब उससे हम बांधते हैं, ठीक है। और ये जो कॉलर अब दिख रहा है ना, ये देखिए ये अलग से कॉलर है, इसमें एक पाइपिंग दिया हुआ है, ठीक है, और इस कॉलर को ऐसे हो जाता है, जब हम इसे पहनेंगे ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है, और बाकी सब एक ही है फ्रेंड। ये देखिए मैंने दिखाया आप लोगों का, ये मेरा बैक वाला कट, ये फ्रंट से ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे दिखेगा, और इसमें से कॉलर जब हम देंगे
तो ये कॉलर इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। और बटन जितना भी चाहे हम कर सकते, मगर फिर भी मैंने एक मेजरमेंट आप लोगों को दे दिया। तो ये है हमारा हाउस कोट का पैटर्न, और कटिंग हम इस वीडियो में फ्रेंड सॉरी हम स्टिचिंग इस वीडियो में हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये आप सभी कर सकती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें लिख कर भेजिएगा, हम वो दोबारा हम करके आप लोगों को स्टिच कैसे हाउस कटिंग का हाउस कोट का स्टिच करते हैं वो करके हम दिखा देंगे। तो चलिए, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से कहूंगा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपको चैनल पर चला जाएगा। और जो फ्रेंड घर में बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं और बहुत मेहनत करके रहे हैं सीखने के लिए, उन लोगों से फिर से थैंक्स कहूंगा। आप इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।